अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, इस्लाम दीन फितरत और मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। ये एक बावकार ज़िंदगी गुजारने का दर्स देता है। औरत के हुस्न जमाल को और इसकी ज़ेबो ज़ीनत को अल्लाह ताला ने उसके शोर की दिली वाबस्तगी और तवज्जा के लिए महदूद कर दिया है, ताकि वो अपनी सारी तवज्जा अपनी बीवी की जानिब मरकूज़ रखे और उसकी औरत गैरों की हवसनाक नज़रों से महफूज रहे। इस्लाम जब पर्दे की ताकीद करता है, तो इससे मुराद एक निहायत पाक और साफ सोसाइटी का क़याम है। अगर हम अपने चारों इतराफ नज़र डालें, तो बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि अहकाम इलाही से रूगरदानी से कैसे कैसे भयानक और इबरतनाक मनाजिर सामने आ रहे हैं। मगरबी दुनिया, खसूसन यूरोप और अमरीकी मुआशरे में, जहाँ किसी किस्म के पर्दे और हजाब का हरगिज कोई गुमान नहीं, वहाँ हर तरफ हिजान खेजी और शहवत परस्ती का सामान हो रहा है। ऐसे ऐसे इकदामात उठाए जा रहे हैं जिनसे हर वक्त जिनसी हिजान पैदा किया जा रहा है। इसके नतीजे में बेरा रवि बढ़ती जा रही है। इस बेरा रवि ने इंसान की ख्वाबीदा हिवानियत को जगा दिया है और इंसान बेकैद शहवत परस्ती का शिकार हो गया है। इसके आसाब और नफ्सियात के अंदर हिजान खेज अमराज पैदा हो रहे हैं। हमें आए दिन मगरबी मीडिया में औरतों पर दरंदाजी, रेप और तरह तरह की हिवानियात की खबरें मिलती हैं। कुछ ऐसा ही हाल हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का भी है, जहां आए रोज खवातीन की असमत दरी की खबरें मीडिया की जीनत बनती रहती हैं। ये तमाम नतायज इस्लाम की जानिब से राइज पर्दे और इसकी अहमियत को बखूबी जाहिर करते हैं। लेकिन हमारे ही मुआशरे से ताल्लुक रखने वाला एक फिरका ऐसा भी है जो खुद को मुसलमान तो कहता है, लेकिन इस्लाम के बरक्स ये फिरका औरतों के पर्दे और शर्मो हया के नजरिए से बिल्कुल इन्हराफ करता है। आगा खानी नामी इस फिरके में पर्दा नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि आगा खानियों में औरतों को पर्दा करने से सख्ती से मना किया जाता है। इस फिरके के जमात खानों में मुनक्दा मजालिस में मर्दो खवातीन एक साथ बैठे नजर आते हैं। इस्माइलियों में वैसे तो 12वीं सदी ईस्वी से ही औरतों को पर्दा करने से मना किया जाता रहा है। अलबत्ता 20वीं सदी ईस्वी में आगा खानियों के 48वें इमाम ने इस हुक्म को दोबारा सख्ती से नाफिज किया। इस्लाम में राइज पर्दे के मुतल्लिक आगा खानी इमाम का कहना है कि पर्दा मजहब इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं, बल्कि यह मुसलमानों में उस वक्त आम हुआ कि जब 10वीं सदी ईस्वी में अरबों और ईरानियों की सकाफतें आपस में मदगम हुई, क्योंकि आला नस्ल ईरानी खवातीन पर्दा किया करती थी और गुलाम औरतें या कनीजों को पर्दा करने का कोई हक हासिल न था। इसलिए ईरानी अशराफिया की तकलीद में मुसलमानों में भी पर्दा आम हो गया। अपने इस जाविये नजर के तहत आगा खानी इमाम अपने मानने वालों को पर्दा ना करने की ताकीद करते हैं, लेकिन ये ताकीद करते वक्त वो पर्दे से मुतल्लिक कुरानी आयात और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अहादीस को मुजरमाना तौर पर भूल जाते हैं। पर्दे के साथ साथ आगा खानी इमाम अपने पैरोकारों को शर्मो हया और एक पाकीजा जिंदगी से भी दूर करते चले आए हैं। आगा खानियों के हाजिर इमाम प्रिंस करीम आगा खान ने फोश फिल्मों में काम करने वाली एक ऐसी खातून से शादी की जिसने उनसे तलाक लेकर मिलियन ऑफ डॉलर्स हथियाए और दोबारा ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। मगरबी तहजीब के दिलदादा आगा खानियों के मजहबी पेशवा को अपने बेटे के गे होने पर भी कोई इतराज़ न था, ना ही इन्हें अपनी बेटी के एक क्रिश्चियन से शादी करने पर कोई एतराज था। सो ऐसे लोग अगर अपने पैरोकारों को पर्दा ना करने और बेहयाई फैलाने का हुक्म देते हैं, तो इस पर तअज्जुब की कोई बात नहीं। अलबत्ता इन सब बातों का दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अब उस पर्दे पर आते हैं जो ये मजहब करने का हुक्म देता है, और वो है मर्दों का पर्दा। जी हाँ, गुज़िश्ता अदवार में आगा खानी अपना चेहरा ढांपा करते थे, अलबत्ता औरतें ऐसा नहीं करती थी। आगा खानी मर्दों में चेहरा ढांपने का आगाज उस वक्त हुआ जब 1258 ईस्वी में मंगोल रहनुमा हलाकू खान ने इस्माइलियों के मरकज को फतह किया और यहाँ बसने वाले इस्माइलियों को चुन चुन कर कत्ल किया। इस्माइलियों के तमाम किले तबाह करने के बाद
हलाकू खान ने हुक्म जारी किया कि जहां कोई इस्माइली नजर आए तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। इस्माइली लोगों को कत्ल करना लोगों की मजबूरी ही न थी, बल्कि हलाकू खान के फाइज किए गए गवर्नर या कोतवाल से उसका इनाम भी मिला करता था। अब इस्माइली हिजरत भी कहां करते, क्योंकि दुनिया में मंगोल हुक्मरानी थी। लिहाजा इस्माइली मर्दों ने अपने चेहरे को ढांप कर पोशीदा रहना शुरू कर दिया। बाद अज़ा हालात मामूल पर आ गए और इस्माइलियों के कत्ल की मुहिम भी बंद हो चुकी थी, लेकिन नकाब पहनने की ये आदत इस्माइलियों में एक रस्म बन चुकी थी जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। मौजूदा दौर में इस्माइलियों का ये पर्दा तो बाकी न रहा, लेकिन आगाखानी मर्द आज भी अपने अकायद और नज़रियात आम मुसलमानों से पर्दे में ही रखते हैं और वो इस पर्दे को तकिया का नाम देते हैं। काम करने वाली जगहों में, दफ्तरों में, बाजारों में और तालीमी इदारों में आपको कहीं भी आगाखानी अफराद नज़र नहीं आते, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये लोग ख़ुद को एक आम मुसलमान के रूप में ज़ाहिर करते हैं और अपने इस्लाम मुखालिफ नज़रियात किसी सूरत में लोगों में ज़ाहिर नहीं होने देते। इसीलिए आपको अपने इर्द गिर्द आगाखानियों के जमात खाने, उनके हस्पताल और स्कूल तो नज़र आते हैं, लेकिन आगाखानी लोग नज़र नहीं आते और ना ही इनका मजहबी लिटरेचर यानी किताबें आसानी से दस्तयाब होती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।